अपने नाम का आश्रय दिया चंद्रमा प्रसन्न, इसलिए इस बार भगवान ने जो अवतार लिया चंद्रवंश में लिया। और समय कैसा चुना, रात्रि के 12 बजे। भगवान रात को 12 बजे क्यों आए? अब भगवान क्यों आए इसका जो वास्तविक कारण है ये तो भगवान को ही मालूम होगा, पर भक्तों ने अपने अपने बड़े सुंदर भाव कहे कि भगवान ने सोचा प्रकाश की जरूरत कब होती है। दिन में तो स्वतः प्रकाश रहता है सूर्य का, जो प्रकाश की आवश्यकता है वो तो रात्रि में ही होती है। अब ब्रह्म भगवान क्या है? ब्रह्म ज्योति निर्गुणम निर्विकारम। भगवान प्रकाश स्वरूप है, इसलिए मानो भगवान रात्रि में आते हैं। और फिर भगवान ने सोचा होगा रात में जाऊंगा तो मेरे दोनों काम हो जाएंगे। भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है? एक तो भक्तों पर कृपा और दूसरा कारण दुष्टों को सजा, दुष्टों का संहार। भगवान ने सोचा रात में यही दो जगह मिलते हैं, या तो योगी योग में जगह मिलता है या फिर चोर चोरी के जुगाड़ में जगह मिलता है, और हमारा काम भी इन्हीं दोनों से, इसलिए एक साथ दोनों काम हो जाएंगे, शायद इसलिए भगवान रात में आते हैं। और फिर एक भक्त तो कहते हैं भगवान स्वयं भी तो किसी चोर से कम है क्या? गोपाल सहस्रनाम देखिए, उसमें तो स्पष्ट लिखा है गोपाल कामनी जार चोर जार सिखामणि। भगवान चोर नहीं है बल्कि चोरों के सरदार हैं, सिरमौर हैं। ये तो असाधारण चोर है। असाधारण चोर क्यों कहा गया? क्योंकि ये साधारण चोरों की तरह हमारे घर में आकर के रुपया पैसा नहीं चुराते। आप बताइए आपके घर में चोर आए, सबसे पहले तो चोर कब आता है? दिन में आता है कि रात में ज्यादा आता है? रात में ही आता है ना, इसलिए रात का समय। अच्छा, असाधारण चोर क्यों? घर में चोर आएगा तो वो क्या देखेगा? रुपया पैसा चुराएगा ना, ये थोड़े देखेगा कि आपका मटका कहां रखा है, माखन कहां रखा है। रुपया पैसा चुराता है, गहना आभूषण चुराता है। लेकिन ये असाधारण चोर क्यों हुए? बोले ये किसी के घर जाकर रुपया पैसा नहीं चुराते, चुराते हो तो बताइए आज तक किसी का एक रुपया भी चुराया हो? अरे ये किसी का रुपया पैसा नहीं चुराते, अरे ये तो अपने भक्तों के दिल में घुस जाते हैं और अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, जन्म जन्मांतर के पापों को पुरस्कारों को हरा ये चुरा लेते हैं। बताओ ऐसा चोर आपको कहीं मिलेगा? इसीलिए ये असाधारण चोर है। और फिर एक और कारण है कि आप भाद्र कृष्ण अष्टमी के दिन देखना चंद्रमा भी रात को देर से उदित होते हैं। तो भगवान ने सोचा चंद्रवंश में जा रहा हूं तो क्यों ना चंद्रमा के साथ ही जाऊं। रोहिणी नक्षत्र इसलिए चुना कि 27 पत्नियां हैं चंद्रमा की, उसमें से सबसे प्रिय और सबसे ज्येष्ठ है रोहिणी। बुधवार चंद्रमा का बेटा है बुध, अष्टमी तिथि रात्रि के 12 बजे भगवान का प्राकट्य होता है। तमद्भुतम बालकम अम्बुजे क्षणम पीतांबरम सांद्रपयोदसोहर। आज अद्भुत बालक का जन्म हुआ। अद्भुत बालक क्यों? वो इसलिए कि आपके घर में बालक जन्म लेकर के आता है तो क्या कभी पेट से कपड़े पहनकर आता है?
नहीं ना, पर ये तो पेट से ही कपड़े पीतांबर पहन करके आए। क्यों? क्योंकि भगवान ने सोचा कहीं संसारी बालकों की तरह मैं भी नंगा धड़ंगा पैदा हो गया तो मेरी मैया देवकी के दिल में कष्ट होगा। वो क्या सोचेगी कि मैं कितनी अभागिन मां हूं कि अपने लाल का तन ढकने के लिए मेरे पास एक हाथ का कपड़ा भी नहीं है। मेरी माँ को कष्ट होगा और मैं किसी को कष्ट देने थोड़े ही जा रहा हूँ, मैं तो सबको प्रसन्नता देने के लिए, सबको आनंदित करने के लिए जा रहा हूँ। इसलिए मानो भगवान पेट से ही पीतांबर पहन कर आते हैं। और दूसरा कारण, भगवान शंख चक्र गदा पद्म लेकर के प्रकट हुए हैं। इसलिए अद्भुत बालक, आज तक संसार में ऐसा हुआ कि कोई शंख चक्र गदा पद्म लेकर प्रकट हुआ हो, जन्म लिया हो? भगवान आते हैं केवल इसलिए अपने मैया देवकी और वसुदेव जी के भय को दूर करने के लिए, क्योंकि इनके मन में कष्ट है। कंस ने 6 पुत्रों को मार दिया, सातवें का पता नहीं लगा, ये तो 8वां है, इसे तो कंस जरूर मारेगा। इसलिए भगवान ने सोचा मेरी मैया देवकी और वसुदेव जी घबराए नहीं, इसलिए शंख चक्र गदा पद्म लेकर आए। और मानो कहना चाहते हैं, आप लोगों को डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, कंस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं चाहूं तो कंस को मार सकता हूं। विश्वास न हो तो देख लो, मेरे हाथ में सारे आयुध हैं, शंख चक्र गदा पद्म है, मैं अभी जाकर मार सकता हूं। ये तसल्ली देने के लिए। अब बहुत से लोग तो ऐसा कह जाते हैं कि भगवान कंस को मारने के लिए आए थे। सच बात बताएं तो ये बात बिल्कुल गलत है, सोलह आना गलत है। भगवान मारने नहीं आते। अगर मारने के लिए आए होते तो सोचो आज से अच्छा मौका मिलता। कंस सो रहा है, आधी रात्रि का समय है, हाथ में शंख चक्र है, जाकर के मारी आते। भगवान मारने तो आते ही नहीं। तो बोले भगवान तो तारने के लिए आते हैं, और तारने के लिए कुछ साधन करने की आवश्यकता होती है, और अभी तक कंस ने कोई ऐसा साधन किया नहीं है। बोले बाद में जब 11 वर्ष बाद आकर के इसे तारेंगे तब कौन सा इसने साधन कर लिया। बोले वो तो जब भगवान मथुरा दोबारा आएंगे उसी समय चर्चा की जाएगी, पर अभी इसने कुछ नहीं किया, इसलिए भगवान ने न इसे अभी मारा न तारा। सच बात तो यही है कि भगवान मारने नहीं, तारने के लिए आते हैं। इसलिए अद्भुत बालक है।